इस्तर बोले तो अल्लाहु अकबर बोले, अल्लाहु अकबर की लाज रख ले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तू पे कामयाबी अता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जुनून है हैदराबाद अवाम के अंदर, और आसफ साहब का स्वागत कैसे कर रहे हैं, नारे लगा कर स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो वोटर महिला है उन सभी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी के प्रॉब्लम को सुन रहे हैं और उनको हल करने की कोशिश किया जाएगा, क्योंकि फिर आगे के दिनों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो ये असद साहब की खासियत है कि चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो या वो मर्द हजरात हो, सभी के पास जाने की कोशिश करते हैं और सभी से उनके जो पर्सनल जो प्रॉब्लम है, गली मोहल्ले जहाँ के प्रॉब्लम है, उन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। ये काम जो एक कॉरपोरेटर लेवल का काम बोल सकते हैं कि जो काम कॉरपोरेटर लेवल के करते हैं, जो कि कॉरपोरेटर के चुनाव में जैसे कि किया जाता है, गली मोहल्ले में जाया जाता, उस तरीके से बारीक चीज़ को ध्यान में रखते हुए खुद का जो पद यात्रा जो इनका निकलता है, इनका अलग एक अंदाज में पद यात्रा निकलता है। जैसे कि मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ कि इनके हाथ में एक माइक होता है और लोगों से मुखातिब होते रहते हैं, चाहे वो छत पर हो या कहीं किसी भी जगह हो, वो उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं, अपना बयान वो जारी रखते हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की कोशिश और लोगों से अपील वो करते रहते हैं और अपना आगे की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। तो ये उनका अपना अलग अंदाज है, बहुत से कम लोग ऐसे देखने को आपको मिलेंगे जो कि नेता जो कि चुनाव में इस अंदाज में अपना प्रचार करते हैं। और दूसरी बात कि आवाम का जो भरपूर इनको प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इनके गले में देखिए गमछे, कभी आपको जो कि अभी फिलहाल जिस गमछे को ये रखे हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, जिस कलर की मैं बात कर रहा हूँ वो कलर जो कि दलित लोग यूज़ करते हैं, तो इनको जो सपोर्ट और समर्थन जाकर दलितों का भी मिलता है, जो कि हैदराबाद में भी काफ़ी अच्छी दलित का इनका सपोर्ट मिलता है, और इसके बाद से जो कि मुस्लिम समाज का भी इनको सपोर्ट मिलता है। और काम तो हर तबके के लिए किया जानी चाहिए और वह खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हर